बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में इंटर और मैट्रिक का क्वेश्चन कहां से आएगा, इसके लिए बिहार बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि छात्र को क्या तैयारी करनी है, कहां से क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछेगा। क्योंकि छात्र और छात्राएं करते क्या है कि जैसे एग्जाम नजदीक आता है, कोई छात्र जो है मार्केट से गेस पेपर ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन बैंक से तैयारी करने लग जाते हैं, और कुछ छात्र जो है वो मॉडल पेपर मार्केट से खरीद कर तैयारी करने लग जाते हैं। वहीं कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अभी तो IITJEE या नीट की तैयारी करते हैं और बिहार बोर्ड के एग्जाम में टेंशन में रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाएं कम समय में, जिससे उनके मार्क्स जो है वो अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो बिहार बोर्ड ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछेगा, 12th में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और 10th में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इसके लिए बिहार बोर्ड ने यहाँ पे क्लियर नोटिस जारी कर दिया है 2025 के परीक्षार्थियों के लिए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप 2025 में बिहार बोर्ड से परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पे मिल सके और उनका एग्जाम भी अच्छे से जा सके। तो आइए जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने इस बारे में क्या। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि चैप्टर के बॉक्स से पूछे जाएंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि सभी प्रश्न जो है वो 10वीं 12वीं परीक्षा के दौरान जो है आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न की अफवाहें हो जाती है, क्योंकि छात्र जो है जब एग्जाम देने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जो क्वेश्चन आया है वो तो सिलेबस में था ही नहीं पढ़ना। तो इसकी समस्या ना हो, इसके लिए बिहार बोर्ड ने यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किया है कि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। छात्र गलती करते हैं कि एग्जाम में पूछा कुछ और जाता है और वो पढ़ कुछ और लेते हैं, सबसे बड़ा कारण यही होता है, जिसके कारण से उन्हें लगता है कि जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में वो तो सिलेबस में पढ़ना ही नहीं था। ठीक है, तो ये सारा का जड़ बताया गया है कि आखिर आपको करना क्या है। बिहार बोर्ड की माने तो बोर्ड परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे जाएंगे, हर चैप्टर से जो प्रश्न दिए रहते हैं उन प्रश्नों के अलावा चैप्टर के अंदर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि बाहर में जो क्वेश्चन रहता है उसके साथ साथ अंदर से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है वो बिहार बोर्ड यहाँ पे पूछता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि चैप्टर में दिए गए बॉक्स को सवाल अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बॉक्स से संबंधित प्रश्न आएंगे और वैल्यू वर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिए जाएंगे। अब देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट वाइज कैसे आपको क्वेश्चन जो है वो पढ़ना है और कैसे जाके एग्जाम में आपको आंसर जो है वो यहाँ पे लगाना है, इसके बारे में बिहार बोर्ड ने क्या कहा है। क्योंकि एग्जाम के टाइम बहुत सिलेबस की अफवाहें होते रहती है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया या क्वेश्चन नहीं लड़ा है, इस तरीके का अफवाह होता है कि बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन कुछ और पूछ दिया है, सिलेबस में कुछ और पढ़ना था। तो इसके लिए निर्देश देखिए, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि छात्र छात्राओं को सभी प्रश्न NCERT के बुक से रहेंगे। तो अलग से कोई बुक या कोई अन्य पब्लिकेशन का कोई बुक आप पढ़ रहे हैं तो उस पब्लिकेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। साफ साफ बोला गया है कि बोर्ड की माने तो सारे प्रश्न NCERT पाठ्यक्रम से रहेंगे, दूसरी पब्लिकेशन से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ज्ञात हो हर प्रश्न इस बार विकल्प रहेगा और हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, हर एक प्रश्न पे आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। वही बोला गया है कि चैप्टर में दिए गए प्रश्न के अलावा चैप्टर के अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे, चैप्टर में दिए गए बॉक्स को स्कूल में अच्छे से आप पढ़ें, क्योंकि बॉक्स से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जान लीजिए कि बहुत संयम से आपको जो है वो यहाँ पे तैयारी करनी है। अब आपके पास सिलेक्टेड क्वेश्चन जब एग्जाम नजदीक आता है तो छात्रों को ये डर लगता है कि आखिर अब समय कम बचा है, 2 महीना बच गया है, 3 महीना बच गया है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो छात्रों को डर लगता है कि इतने कम महीने में अब इस तरीके से तैयारी आखिर कैसे की जाए। तो आखिर वो जाकर फिर क्या करते हैं, गेस पेपर मार्केट से लेते हैं या कोई छोटा मोटा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं और उसी के भरोसे जो है वो बिहार बोर्ड एग्जाम में बैठ जाते हैं, जिसका कारण ये होता है कि वो बुरी तरह से उनके मार्क्स जो है वो कम आ जाते हैं। तो यहाँ पे बिहार बोर्ड ने इसके लिए सख्त मनाही की है कि आपको इस तरह से बिहार बोर्ड की तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है। बोर्ड की माने तो 10वीं और 12वीं के सभी विषय में वैल्यू बेस्ड प्रश्न को रखा गया है, चाहे आप 12वीं की बात करें या 10वीं की बात करें, तो दोनों में आपके इसी तरह से क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब हम बात करें कि आखिर जो है मेन क्वेश्चन जो कि छात्रों के पास चाहिए, जो क्वेश्चन आंसर छात्रों के पास जाइए जिससे 450 नंबर उनका कैसे आ जाए, वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जिसका फायदा आप सभी छात्र यहाँ पे उठा सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड ने पहले ही बोल दिया है कि सारा क्वेश्चन जो है हम एनसीईआरटी बुक से ही पूछेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी पब्लिकेशन का। तो आखिर आपके पास जो मेन क्वेश्चन है, आपके पास वो क्वेश्चन होने चाहिए जो बिहार बोर्ड डायरेक्ट पूछता है और जिससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उसे पढ़ते हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटता नहीं है। तो वह सारे क्वेश्चन आंसर के साथ जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है, वो क्वेश्चन आंसर अगर आप लगा लेते हैं तो आपका 450 नंबर आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर वो क्वेश्चन आंसर आप कैसे ले सकते हैं। 2025 में बिहार बोर्ड से बरहमी का एग्जाम देने वाले हैं, तो 90% मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन आंसर आ चुका है और आप ये क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। इससे बाहर एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, यानी इसे लगा लेते हैं तो लाइफ आपका झिंगा लाला हो जाएगा। भले ही आपने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, यानी आप कमजोर रहे हैं, या कोचिंग किए भी हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक हैं, एग्जाम को लेकर डर लग रहा है कि एग्जाम में क्या होगा, तो आपके लिए रामबाण क्वेश्चन आ चुका है जिसे आप क्वेश्चन के साथ आंसर में ले सकते हैं, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया गया है, यानी हिंदी मीडियम वाला छात्र हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम वाला छात्र इंग्लिश मीडियम में लेकर 90% यानी 450 नंबर का सपना पूरा कर लेगा। इसके लिए छात्र छात्राओं को करना क्या है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का हो, सभी परीक्षार्थी अब 450 नंबर को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ही रुपए में आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ दिया जा रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 1000 में, हिंदी इंग्लिश का 400 में, अगर साइंस का टोटल सब्जेक्ट आपको 1300 में दिया जा रहा है, वही आर्ट्स का टोटल सब्जेक्ट 1000 में और कॉमर्स का टोटल सब्जेक्ट 1000 में दिया जा रहा है। आपको लेने के लिए करना क्या है, तो पेमेंट जो है इस नंबर पे जो आपका नंबर शो आ रहा है, इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है और क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे ही भेज दिया जाएगा, जिससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसकी 100% फुल गारंटी आपको दी जाती है। पिछले साल का क्या जबरदस्त रिजल्ट रहा है, जो कि आपके सामने यहां पे है ना, यहां पे देखेंगे 5 महीना पहले जो रिजल्ट आया पिछले साल का, तो 430 से 450 वाले बच्चे जो है 60% रहे हैं, जिसमें आपको बता दें टोटल 38,000 बच्चों ने इसका फायदा जो है वो यहां पे उठाया है, और सबसे ज्यादा जो नंबर मिला है वो 450 नंबर वाले 59% बच्चे यहां पे हैं, यानी 38,000 में 60% बच्चे को इतना नंबर मिला है, और उसके बाद 300 से नंबर ऊपर वाले सभी छात्र हैं, यानी सभी छात्र को 300 से प्लस मार्क्स ही मिले हैं, जिसे आप जो है यहां पे साफ साफ देख सकते हैं और चैनल के कम्युनिटी टैब पे भी आपको दिया गया है। तो जबरदस्त फायदा है, इसका फायदा उठा लें और पिछले साल पीडीएफ से कैसे नंबर मिले हैं वो भी यहां पे देख लीजिए। क्या नाम है? राजवीरेशवाल है, मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। मेरा रोल कोड 83020, मेरा रोल नंबर 2402011 है। मैंने इस बार होने वाले बोर्ड एग्जाम में 451 मार्क्स हासिल किए थे, जिस कारण मुझे डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 हासिल हुई थी खगड़िया। मैं इसके लिए अभिषेक ट्यूटोरियल के द्वारा जो मुझे नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, जो पीडीएफ प्रोवाइड किए गए थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। जो पीडीएफ भैया ने दिए थे वो पीडीएफ हर बच्चे को यूज़ करना चाहिए, ताकि उससे भी आपकी सहायता हो जाए। वो पीडीएफ एग्ज़ाम के टाइम में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है रिविज़न में। और मैं यही सामना करना चाहूँगा, जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं वो जरूर पीडीएफ का यूज़ करें। यहाँ पे देखिए, हर साल छात्र जो है इस तरह से 450 नंबर लाते हैं, आप भी ला सकते हैं, खास करके अगर अभी तक आपने बिहार बोर्ड की तैयारी नहीं की है या अधूरी तैयारी है, 450 लाना आपके लिए जरूरी है, तो आप ये असाइनमेंट जरूर लें जिससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, खास करके वैसे छात्र जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं या
आगे कोई सिलेबस पूरा नहीं हुआ है बिहार बोर्ड का, क्योंकि वो जेई की तैयारी कर रहे हैं, कोई नीट का तैयारी कर रहा है, या कोई कोचिंग क्लासेज नहीं किया है, तो वैसे में अगर 450 नंबर लाना है तो ये आपका रामबन है, आसानी से आप ला सकते हैं। हर वर्ष स्टूडेंट लाते हैं, आप भी ला सकते हैं, तो देर किस बात की, अभी इसका फायदा उठाइए, ठीक है। और जो नंबर बताया गया है उस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, क्वेश्चंस लीजिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आइए। और ऐसे तो बताया गया है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।